Happy birthday, dear Sweeney. Happy birthday to you. मैंने अपना बर्थडे लाइफ में पहली बार अपने पेरेंट्स के बगैर बनाया है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए। सेम ईयर। आज हम दोनों 18 इयर्स के हो गए। सेम दिन पैदा हुए, फिर प्यार हुआ, और अब यहीं से हम जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। कहीं तुम बदल गए और तुमने मुझसे शादी नहीं की तो? वादा करता हूँ, शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। क्यों ना हम आज ही शादी कर ले? यहाँ पंडित और अग्निकुंड कहाँ से लाऊंगा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं ये सब शादी के पहले नहीं करने वाली। और अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो पहले मुझसे शादी करो और उसके बाद ये सब। अरे अरे, क्या किया तुमने? लो, शादी भी हो गई और सुहागरात भी। आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी ना, फिर तुम्हें ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई? अरे तुम्हें पता है ना, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, फुटबॉल खेलती हूँ, तो ऐसी लड़कियों को ब्लड नहीं आता। क्या मैं तुम्हें बैड कैरेक्टर लगती हूँ? लाइफ में पहली बार मैंने मेरे भाई के फ्रेंड के साथ ये सब किया था। क्या? हाँ, वो अक्सर मेरे घर आया जाया करता था, घूरता रहता था, ताड़ता रहता था। फिर हम लोग कुछ दिनों बाद मिलने लग गए, बात करने लग गए। एक दिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, मैंने भी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया। और फिर जब मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया। वैसे हाँ, कॉलेज में मैंने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया था, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, एकदम पजेसिव। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत पियो, इससे मत मिलो, और खुद मौका मिलते ही चढ़ बैठता। है? तो मना नहीं करती थी? मना कैसे करती, आज तक तुम्हें मना किया है, और फिर मेरा भी तो मन करता था। किस मनहूस घड़ी में तुमसे मुलाकात हुई थी? यू स्लट, मर्दखोर हो तुम। तुम जैसी लड़कियों को जिंदा जला देना चाहिए। कोई हक नहीं है तुम जैसी लड़कियों को जिंदा रहने का। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया